ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख ओवैसी खुद को भारतीय सियासत की लैला कहते हैं और बाकी दलों को मजनू। ओवैसी कहते हैं कि वह ऐसी लैला हैं जिसका नाम हर पार्टियां अपने मंच से लेती हैं लेकिन अपनाने से डरती हैं। ओवैसी यह बात खासकर तब कहते हैं जब उनकी पार्टी पर BJP की बी टीम होने का आरोप लगता है। फिलहाल उनका नाम राजनीतिक दल तो ले ही रहे थे लेकिन अब उनका नाम किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपने मंच से ले लिया है। मंगलवार को बागपत में आयोजित किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने ओवैसी का नया नामकरण कर दिया है। उन्होंने ओवैसी को BJP का चाचा जान बता दिया है। अपने भाषण में राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी नाम का BJP का चाचा जान आ चुका है, ये उसका सहारा लेंगे, वह गाली देगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं करेंगे, उस पर फूल आशीर्वाद है, इनका चाचा जान है, बहुत मन्नतों के बाद अब ये UP आ चुका है, यह किसानों को बर्बाद कर देगा, ए और बी टीम है, आपको इनकी चाल समझने की जरूरत है, आपने देख भी लिया होगा ये चुनाव के टाइम पर भी षड्यंत्र रचेंगे। बता दें कि 12 सितंबर को कुशीनगर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर तंज कसते हुए अब्बा जान वाला बयान दिया था। योगी की इस जुमले पर अभी विवाद थमा नहीं था कि टिकैत ने चाचा जान वाला बयान देकर प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। देखा जाए तो किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही भारतीय किसान यूनियन के नेता और आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत मोदी और योगी सरकार पर हमला करते रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में उन्होंने मोदी, शाह और योगी को हटाने और BJP को हराने की भी अपील की थी। अब CM योगी आदित्यनाथ द्वारा जब अब्बा जान वाला बयान आया है तो टिकैत को लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए BJP नेता और योगी ऐसी बयानबाजियां कर सांप्रदायिकता कार्ड खेल सकते हैं, जिसके बाद यदि वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो BJP को लाभ होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए टिकैत ने लोगों से सांप्रदायिक बयानबाजी के प्रभाव में नहीं आने की अपील की है। टिकैत इस बात को बखूबी समझते हैं कि चुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी में यदि जाट और मुस्लिम एक हो गए तो BJP को हराना आसान हो जाएगा और यदि इन दोनों वर्गों में विभाजन हुआ तो BJP को हराना मुश्किल हो जाएगा। वह जानते हैं कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के कारण जाटों और मुसलमानों में दरार पड़ गई थी जिसका फायदा BJP को मिला, लेकिन किसान आंदोलन के कारण इस बार ये दोनों जातियां एक हो गई हैं। ऐसे में इन दोनों जातियों की जुगलबंदी को तोड़ने के लिए BJP कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस बार टिकैत ऐसा नहीं होने देना चाह रहे हैं। बागपत में दिए अपने भाषण से टिकैत दोनों जातियों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले ऐसे बयानों के बाद भी प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकता बनी रहे जिससे BJP को हराना आसान हो जाए। बहरहाल अब्बा जान चाचा जान जैसे बयानों की अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए BJP अपना सब कुछ लगा देगी, ध्रुवीकरण करने के लिए सांप्रदायिक बयानबाजियां और बढ़ेंगी। ऐसे में प्रदेशवासियों से हम उम्मीद करते हैं कि वे ऐसी पार्टी को अपना समर्थन करेंगे जो प्रदेश की उन्नति के लिए काम करेगी, ना कि समाज में सांप्रदायिकता जहर घोलने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।